कि कल परसों से मीडिया में काफी चल रहा है, क्या लगा रहे थे? केजरी ने धोखा दिया, केजरी का धोखा। मैं उस चैनल को जिसकी ये हिम्मत है चलाने की कि केजरी का धोखा, उसको चैलेंज देता हूँ अपनी तरफ से। केजरी का चैलेंज है कि हिम्मत है तो मोदी जी के नाम पर ये चला के दिखाओ कि 56,000 करोड़ रुपए डाइवर्ट किए। ये मीडिया में कहीं मैंने पढ़ा था। ये किसी चैनल में हिम्मत नहीं है चलाने की, किसी उस चैनल के मालिक को घुटनों पर टिका देंगे मोदी और अमित शाह उस दिन। और ऐसा हुआ भी है। ये केजरी का धोखा करके षड्यंत्र कर रही है सरकार, चल रहा है मीडिया में सरकार के खिलाफ। इससे मैं कहना चाहता हूं सभी चैनल के साथियों को, सभी पत्रकारों को, इससे रहने दीजिए, ये ठीक नहीं है। असली चीज तो यह कि 56,000 करोड़ रुपए सेस के डाइवर्ट कर दिए और किसी की हिम्मत नहीं है पूछने की। उसको नहीं चला सकते क्योंकि वो जीना हराम कर देंगे। और कर भी रखा है कई चैनल के मालिकों का, घुटनों पर टिका रखा है। मैं अगर नाम लेके कहूं तो आज चैनल 18 के मालिक, टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक सारे जाके एक बार चला के दिखाए नहीं, कल को जाके। और अभी पिछले एक साल के अंदर अंदर कितने चैनल वालों को, कितने पत्रकारों को, कितने इनके पत्रकारों, इनके अखबारों के मालिकों को नाक रगड़वाई है, पैर छुआए। हम 700 करोड़ 800 करोड़ रुपए जिनकी बात कर रहे हैं, ये 700 800 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है, बसेस लाने में खर्च कर रही है। सरकार के प्लान में इनका खर्च करना, यूज करना। जमीन नहीं दे रहे, कोई जाके एलजी से नहीं पूछेगा एलजी ने धोखा दे दिया, केजरी ने धोखा दे दिया। जमीन नहीं दे रहे, पूछो जाके एलजी से, जमीन नहीं दी आपने, दिल्ली वालों से धोखा कर दिया। 56,000 करोड़ रुपए बता रहे हैं वो सेस के डायवर्ट कर दिए, जीएसटी में कहां कर दिए वो, उस पर कोई नहीं पूछता। केजरीवाल तो बसेस खरीद रहे हैं तो केजरीवाल ने धोखा कर दिया। बसेस के लिए कोई जमीन नहीं दे रहा, वो धोखा नहीं कर रहा। 56,000 करोड़ रुपए इधर से उधर कर दिए, वो धोखा नहीं हो रहा, केजरीवाल ने धोखा दे दिया। तो मैं सबको कहना चाहता हूं, यहां तो बसेस खरीद रहे हैं और स्पेंड कर रहे हैं उसको, जिस पर्पज के लिए पैसा है उसको यूज कर रहे हैं, पर जो वास्तव में धोखा दे रहे हैं, एक बार हिम्मत तो दिखाओ।